मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम सामुदायिक नेतृत्व मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी पहल है और इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे क्षमतावान युवक एवं युवतियां तैयार करना है जिन्हें क्षेत्र के विकास की अच्छी समझ हो और जो क्षेत्र की समस्याओं की पहचान भी कर सकें, साथ ही समस्याओं के निदान के लिए निर्णायक पहल कर सकें। हमारा उद्देश्य यह है कि आत्मविश्वास और ऊर्जा से ओतप्रोत एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयासों पर निर्भर न हो बल्कि समुदाय के परिश्रम और पुरुषार्थ से गांव की या अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने के लिए सकारात्मक पहल कर सके। यह पाठ्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। इसमें 75% महिलाएं और 25% पुरुष अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इस पाठ्यक्रम के द्वारा युवा पीढ़ी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकेगी। यह पाठ्यक्रम शासन की विभिन्न कार्यकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण समुदाय तक पहुँचाने में एक ब्रिज यानी कड़ी के रूप में कार्य करेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय कार्य के दौरान ग्राम की चयनित गतिविधियों के बारे में आंकड़ों का संकलन एवं प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रभाविता का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का संयुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम है। यह कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रथम चरण में जिला मुख्यालयों पर संचालित किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम यानी सामुदायिक नेतृत्व की कक्षाओं का प्रारंभ किया जा रहा है और कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा और निश्चित ही इस पाठ्यक्रम के माध्यम से सक्षम नेतृत्व उभर कर सामने आएगा जिससे ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वो पूरी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्णिम मध्य प्रदेश का स्वप्न साकार हो सकेगा। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।